नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे टेस्टी तीखे चटपटे नमकीन चावल, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे मेरे द्वारा बताए गए तरीके से। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी बासमती चावल ले लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और एक यहाँ मैंने बर्तन लिया है, उसके अंदर ये चावल हम डाल देंगे और इन चावलों को दो तीन बार पानी से अच्छी तरीके से हम वॉश कर लेंगे ताकि चावल हमारे साफ हो जाएं। यहाँ मैंने गैस ऑन करके दो चम्मच घी डाल दिया है। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल या सरसों का ऑयल भी डाल सकते हो। एक चम्मच राई डालते हैं। आधी चम्मच जीरा डालेंगे। आधी चम्मच पान मेथी डालेंगे और इन सब को चम्मच से मिला देंगे। अब इसमें कटिंग किए हुए प्याज डाल देते हैं और इसको एक बार चम्मच से मिला देंगे। कटिंग किए हुए हरी मिर्च और टमाटर डाल देंगे। इनको भी अच्छी तरीके से मिला देंगे और कटिंग किए हुए आलू डाल देंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब इसमें एक चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे, एक चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और इन सब मसालों को मिला देंगे। अब दो मिनट तक इनको पकने देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गए हैं तो इसमें हम चावल डाल देंगे। और इनको भी चम्मच से अच्छी तरीके से मिला देंगे। इसी तरीके से दो मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम जिस कटोरी से चावल लिए थे उसी कटोरी से दो कटोरी पानी डाल देंगे, जिससे चावल हमारे परफेक्ट बनेंगे। एक कटोरी चावल लिए थे, दो कटोरी पानी डालेंगे। इसे ना कम डालना और ना ही ज़्यादा डालना। एक बार फिर से मिला देंगे। दोस्तों, इस तरीके से मिलाने से चावल और मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे और चावल खिले खिले अच्छे बनेंगे। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर एक विसल आने देंगे, यानी एक सीटी आने देंगे। एक ही सीटी लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। ज़्यादा लगाने से ओवर कुक हो जाएगा, चावल हमारे गल जाएंगे। तो गैस को फुल कर देंगे। एक विसल आ गई है तो हम गैस को कर देंगे बंद और 10 मिनट बाद प्रेशर कुकर का हम ढक्कन खोल कर देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे खिले खिले बहुत ही टेस्टी नमकीन चावल बने हैं। अब हम इसको एक चम्मच से इस तरीके से देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे चावल कहीं से भी नहीं गले हैं, खुले खुले बने हैं। आप भी इसी मेजरमेंट से बनाइए और चावल में पानी कम या ज़्यादा मत डालिए, जितना मैंने बताया उतना ही डालिए। आपके चावल बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
एंड कमेंट करना मत भूलिए।